ज्ञानविकास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। लेखक परिचय में विष्णु प्रभाकर के जीवन काल, शिक्षा, रचनाएं एवं पुरस्कार सम्मान के अतिरिक्त आवारा मसीहा के संदर्भ में विशेष परिचय अपना विशेष स्थान रखता है, जो इस प्रकार है। यहाँ आप देख सकते हैं लेखक का विस्तृत परिचय सम्मिलित किया गया है, किंतु विशेष परिचय इस प्रकार है। शरद चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर के धैर्य और लेखक के साहस का प्रतीक है। उनके रहस्यमय और उलझे हुए जीवन की गुत्थी सुलझाने के साथ ही लेखक ने शरद चंद्र के किरदारों के स्रोत और रचना प्रक्रिया को टटोलने की दुष्कर चुनौती को भी स्वीकारा और उसका प्रामाणिकता के साथ निर्वहन भी किया। इसके लिए उन्होंने बंगाल, बिहार, बर्मा के बीच फैली कथा देश में न जाने कहां कहां के बिखरे कथा सूत्रों को जोड़ने के लिए गहन यात्राएं की। इतना ही नहीं, आपने बंगला भाषा तक सीखी। आवारा मसीहा जीवनी जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, और यहां आप देख सकते हैं शरद चंद्र के चित्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब हम आवारा मसीहा की कथा वस्तु की ओर बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की सर्वश्रेष्ठ कृति आवारा मसीहा, जो बंगाल के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। यह जीवनी होते हुए भी किसी रोचक उपन्यास से कम रोचक नहीं है। लगातार 14 वर्ष तक आस्था और निष्ठा के साथ लगे रहने पर भी वह इसे मार्च 1974 में पूरा कर पाए। शरद का व्यक्तित्व अत्यंत विवादास्पद रहा है और उनकी कहीं कोई जीवनी भी उपलब्ध न थी। किताबों व पत्रिकाओं को खंगालने के साथ ही इतिहास को ढूंढा और अनगिनत लोगों से मिलकर शरद चंद्र के जीवन का, उनके रचनाक्रम और चरित्रों को पहचानने का कठिन कार्य किया। तब जाकर 14 साल के लंबे समय में उन्हें हासिल हुई आवारा मसीहा की उपलब्धि। उन्हें जैसे ही सूचना मिलती तुरंत निकल पड़ते। उनके अनुसार शरद चंद्र की मौसेरी बहन मल्लिका जबलपुर में आई थी, बस आवारा मसीहा के एक और सूत्र को तलाशते। जब वह उनकी जबलपुर, कभी बिहार बंगाल तो कभी पश्चिम बंगाल, रंगून तो कभी बर्मा की यात्रा करते रहते, जो लेखक का साहित्य के प्रति पवित्र भावना का प्रतीक है। जबकि विष्णु प्रभाकर जी यह भी लिखते हैं कि मेरी कलम ही मेरी जीविका का साधन है, अर्थात सीमित साधनों से विशाल साधना की है आपने। मोतीलाल चटर्जी, निरुपमा रहजवाला, महादेव साहू, निशानाथ बनर्जी, सत्यकाम गांगुली, गजाधर सिंह, प्यारी बंधोपाध्याय और मीरदा जैसे चरित्रों को खोजकर विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद की जिंदगी के साथ पिरो दिया था। जब भी उन्हें अवकाश मिलता तो मल्लिका को खोजते खोजते जबलपुर चले जाते थे। वहां से आड़ी तिरछी गलियों को पार करते हुए दत्त साहब की उस जर्जर हवेली में जाते। कई बार वे बहुत जगहों से खाली हाथ भी लौटे, किंतु अपनी यात्रा आपने रोकी नहीं। अब हम आवारा मसीहा के सारांश की ओर बढ़ते हैं। शरद चंद्र की प्रकृति बहुत जटिल थी। साधारण बातचीत में भी अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयत्न करते थे और उसके लिए कपोल कल्पित कथाएं गढ़ते थे, किंतु अपवाद कितने मिथ्याचार, कितने भ्रांत विश्वास से वे घिरे रहे, इसमें उनका अपना योग भी कुछ कम नहीं था। पहले दर्जे के अड्डेबाज थे, घंटों कहानियां सुनाते रहते। जब कोई पूछता कि क्या यह घटना स्वयं उनके जीवन में घटित है, तो वह कहते, न, गल्प कहता हूँ, यह गल्प है, मिथ्या है, एकदम सत्य नहीं है। उनके बारे में तरह तरह के मनगढ़ंत किस्से प्रचारित होते गए। इस पर उनके कई मित्र शरद से कहते कि आप इनका विरोध कीजिए, तो टालने के लिए शरद बाबू उत्तर देते, मैं कहता हूँ कि इन झूठी बातों का प्रचार तो मैंने नहीं किया, जिन्होंने किया है विरोध उनका करने का दायित्व भी उन्हीं का है। शरद को उनके जीवन की परिस्थितियों ने विद्रोही बनाया। उन्होंने अपने चारों ओर फैले अनाचार और अत्याचार को केवल देखा ही नहीं, स्वयं भोगा भी था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि धर्मशास्त्र में जिस आचार संहिता की चर्चा है, वह सब युगों के लिए एक जैसी नहीं होती। जैसे युग पलटते हैं, वैसे ही संहिताएं भी पलटती हैं। इसी चेतना ने शरद को दिशाहारा से दिशा की खोज का क्रम उस ओर बढ़ाया, जहां उसे उन्हें आवारा मसीहा के रूप में पहचान दिलाने वाला एक सच्चा रचनाकार मिला। विष्णु प्रभाकर उन सभी स्थानों पर गए
जहां वे या उनके उपन्यास के पात्र रह रहे थे, उस वातावरण में रमने की कोशिश जिसमें शरद जिए थे। शरद चंद्र में गजब की बात थी कि वे जन जन के प्रिय लेखक थे, लेकिन सामाजिक तौर पर उनके साथ हमेशा बहिष्कृत सरीखा व्यवहार किया गया। ऐसे में विष्णु प्रभाकर के लिए आम लोगों से शरद चंद्र के बारे में विश्वसनीय बातें पता लगाना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उनसे प्यार करते थे, वे या तो मुखर नहीं थे या फिर कोई सूत्र था ही नहीं उनके पास कि वे कुछ बताएं या जताएं। शरद का बहिष्कार करने वाले लोगों का विष्णु प्रभाकर से कहना था, छोड़िए महाराज, ऐसा भी क्या था उनके जीवन में जिसे पाठकों को बताए बिना आपको चैन नहीं। नितान स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है? ऐसे और भी टिप्पणियां थी उनके बारे में, जो कुछ हम जानते हैं वह हमारे ही बीच रहे तो अच्छा है, लोग इसे जानकर भी क्या करेंगे। किताबों से उनके मन में बसी वह कल्पना भी भ्रष्ट होगी। बस विष्णु प्रभाकर जी से यह भी कहा गया, दो चार गुंडे बदमाशों का जीवन देख लो, करीब से शरद की जीवनी तैयार हो जाएगी। इस विषय में विष्णु जी का मानना था कि जब गुरुदेव शरद पर इतना स्नेह रखते हैं, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने एक बार शरद चंद से कहा, शरद तुम अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? शरद चंद ने उत्तर दिया था, गुरुदेव यदि मैं जानता कि एक दिन मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा तो मैं एक दूसरी तरह का जीवन जीता। यह बात उन्हें हमेशा प्रभावित करती रहती थी। विष्णु प्रभाकर लिखते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य में धर्म नैतिकता के विरुद्ध कहीं कोई विद्रोह की घोषणा नहीं की है। इतने पर भी उन्हें दुष्चरित्र और अनैतिक न जाने क्या क्या कहा गया है। उनके अपमान और उपेक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उनके घर जाकर लोग गालियां देते थे, उनकी आंखों के सामने उनके साहित्य चरित्रहीन की प्रतियां जलाई गई थी। शरद का सारा जीवन भीषण बिखराव और भटकाव की यंत्रणा से भरा था। बाल्यावस्था से ही वह दरिद्रता, निराश्रय और दीनता का शिकार रहा। पिता मोतीलाल के अपने परिवार के भरण पोषण की अक्षम आर्थिक स्थिति ने माता भुवन मोहिनी को अपने पिता के घर देवानंदपुर में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। शरद बाल्यावस्था में देवानंदपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना आदि स्थानों पर टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी गुजरी। उनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं रही। आर्थिक निर्धनता और अभावों ने उनके जीवन के अंतिम समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे स्वयं उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार थे। शरद स्वभाव से बचपन से साहसी, पराक्रमी, निर्भीक, नास्तिक, सेवापरायण और अत्यंत भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनमें उत्पीड़न और शोषित जनों के लिए अपार प्रेम और स्नेह का भाव सदा जागृत रहता था। तत्कालीन बंगाली समाज स्त्रियों के प्रति विशेष रूप से निर्दयी और रूढ़ियों से ग्रस्त था। शरद दीनहीन, निराश्रित और पतित स्त्रियों के प्रति सदैव समर्पित रहते थे। रात रात जाकर रोगियों की सेवा करना, समय असमय स्मशान जाकर दाह संस्कार करना, विवाह पूजा आदि में आगंतुकों की सेवा करना, इन सब कामों में वे बहुत पटु थे। बचपन में कई बार पैसों के अभाव में उनकी पढ़ाई बाधित हुई और समाप्त भी हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सृजन, इन्हीं में उनका मन रमने लगा। उसके दीन दुखियों की सेवा के अभियान और जोरों से चलने लगे। इसके लिए वेश्याओं के घर तक जाना भी वर्जित नहीं था। लेखक ने शरद चंद के साहित्य में शरद के जीवन से संबंधित सामग्री का गहन अध्ययन आवाहन किया और इस प्रकार से तस्वीर बनाने में सफल हो सके उसे आवारा मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सत्य की खोज की इस अंतर यात्रा की क्या प्रक्रिया रही, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श न हो, परंतु संपूर्ण जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है और उसका आदर्श सत्य ही है। मैंने इतना समय इसलिए लगाया कि मैं सुनी सुनाई घटनाओं के पीछे सत्य को पहचान सकूं, जिससे घटनाओं से परे जो वास्तविक शरद चंद है उसका रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा सके।
शरद को उसके जीवन की परिस्थितियों ने विद्रोही बनाया था। उन्होंने अपने चारों ओर फैले अनाचार अत्याचार को केवल देखा ही नहीं, भोगा भी था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि धर्मशास्त्र में जिस आधार पर संहिता की चर्चा है वह सब युगों के लिए नहीं होती। जैसे युग पलटते हैं वैसे ही संहिताएं भी पलटती है। इसी चेतना ने शरद को दिशाहारा से दिशा की खोज का क्रम उनकी रंगून यात्रा के साथ आरंभ हुआ था। चरित्रहीन रंगून प्रवास की ही देन है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के माध्यम से उस दो युग के महान कला साहित्यकारों रविन्द्रनाथ टैगोर तथा शरदचंद्र के पारस्परिक संबंधों का अच्छा प्रकार डाला है। इस कई बार मतभेद हुए दोनों में, पर अंततः दोनों एक दूसरे की प्रतिभा का वर्णन किया करते थे। शरद बाबू ने रविन्द्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है, तो रविन्द्रनाथ ने भी बार बार उनकी साहित्य कथा साहित्य की विशेषताओं का अभिनंदन किया है। शरद की षष्ठी पूर्ति समारोह के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, बंकिम भगीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए हो उसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। अपनी वृद्धावस्था में शरदचंद के अभ्युदय में मैंने भी यही व्यापार देखा। आवारा मसीहा के लिए सामग्री इकट्ठा करने के क्रम में विष्णु प्रभाकर से शरद के जीवन प्रसंगों या फिर उनसे जुड़े लोगों की तलाश ही नहीं करते रहे, बल्कि शरद के किरदारों की तलाश में भी इधर उधर खूब बढ़ गए। ये बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, बर्मा और देश विदेश के हर उस कोने में गए जहाँ शरद का कभी कोई ताल्लुक या वास्ता रहा हो। तलाश के इसी क्रम में उन्होंने जाना कि भागलपुर न सिर्फ उनका बल्कि उनके कई पात्रों की कर्मस्थली है। उन्हें पता चला कि देवदास की चंद्रमुखी भी भागलपुर की ही थी। वह मसूरगंज की प्रसिद्ध तवायफ कालीदासी थी, जिसे शरदचंद ने देवदास में चंद्रमुखी नाम दिया। वह सचमुच चांद की तरह खूबसूरत दिखती थी। इस कृति का नाम आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद के एक कथन के आधार पर रखा था। शरद ने मृत्युशैया पर कहा था, मैंने आवारा मसीहा आवारा लड़के की तरह जिंदगी शुरुआत की थी, अंत कहाँ किया यह आप जाने। विष्णु जी ने तुरंत कहा कि अंत मसीहा के रूप में किया। नारी उन्हें मसीहा मानती थी। शरद का मानना था कि मनुष्य से किसी भी अवस्था में घृणा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खराब दिखाई देते हैं उन्हें सुधारने की चेष्टा करना चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। भगवान की इस सृष्टि में मनुष्य जितना शक्तिशाली है उतना दुर्बल भी है। विष्णु जी ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि आवारा मसीहा नाम को लेकर काफी उहापोह मची। मैं तो इस नाम के माध्यम से यही बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन गया। आवारा और मसीहा के दो शब्द हैं। शरद को दिशा मिल गई, इसलिए वह आवारा मसीहा ही तो है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ने लिखा, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत जो बाहर आया उसे जगत को दान किया। आवारा मसीहा वास्तव में एक ऐसी कृति है जो शताब्दियों तक विष्णु जी की कीर्ति को अमर रखेगी और शरदचंद को भी। शरद की संपूर्ण जीवनी लगभग 430 पृष्ठों की है, जो विष्णु जी ने तीन पर्वों में तीन भागों में बांटा है, जो है दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। दिशाहारा शीर्षक के अंतर्गत विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, वंश का गौरव, होनहार बिरवान, रॉबिन हुड, अच्छे विद्यार्थी से कथा विशारद तक, एक प्रेम प्लावित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, सृजन का युग, निरुद्देश यात्रा, जीवन मंथन से निकला विश्व और लक्ष्यहीन प्रवास की ओर। दूसरा सर्ग है दिशा की खोज में शरद के लेखन के विकास, प्रेरणा के स्रोत, रचना की पृष्ठभूमि और पात्रों से समरसता, रंगून प्रवास, ग्रहदान, सृजन का आवेग, चरित्रहीन विराज बहु और आवारा श्रीकांत की चर्चा, तथा तीसरा पर्व है दिशांत में वह से वे सृजन का स्वर्ण युग, देश की मुक्ति का व्रत, राजनीति से उनका लगाव
और नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता के रूप में शरद का चित्रण। इस प्रकार तीनों सर के संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया। अब हम आगे बढ़ें विशेषता की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है, पाठ्य सामग्री उपयोगी लगे तो लाइक करें, बहुमूल्य सुझाव दें, अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक लोगों को इस पाठ्य सामग्री का लाभ मिल सके। अब हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा से बंगाल के बेजोड़ कथाकार शरदचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखकर विष्णु जी ने हिंदी और बंगला साहित्य के बीच ऐसे सेतु का निर्माण किया है जो समूचे राष्ट्र की रागात्मक एकता का प्रतीक है। इस पुस्तक की सामग्री के तीन प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे, दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरे उनकी रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए स्थल और प्रसंग जिनके उनके जीवन से सीधा संबंध रहा। आवारा मसीहा में आई कोई घटना विष्णु जी की कल्पित नहीं है। प्रथम पुरुष के रूप में शरद से के मुख से जो कुछ उन्होंने कहलवाया है वह सब उनके मित्रों के संस्मरणों से लिया गया है जो उनके साक्षी रहे हैं। आवारा मसीहा का भारत की अनेक भाषा